कार्य हो कि आज का दिन हमें खुदा ने अपनी हजूरी बख्शी। परमेश्वर के वचन से जब बातें सीखेंगे पढ़ेंगे दानियेल दस बाब पांच और शिव वचन पांच पांच शिव वचन दानियेल दस बाब पांच और शिव अति मैं पक्षियां उखाड़ के देखा अति की वेदना जो एक मनुख सुती गिरे पाए हुए जेदे लक नाल उफास दे कुंदन सोने दी पेटी बनी हुई खलोता है उदा शरीर बैरूस वर्गा है बैरूस वर्गा अति उदा पू बिजली जिहा सी अति उदियां अखियां दो जगदियां दीवियां वर्दी वर्दियां सन ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪਿੱਤਲ ਜਿਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਦ ਮੈਂ ਆਖੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਫਾਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਸੇ ਕਮਰ ਬਾਂਧੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸ਼ਰੀਰ फिरोजा के समान उसका मुख बिजली के समान उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से और उसके वचनों का शब्द भेड़ों के शब्द का सा था तो दानियेल यहां एक दर्शन देख रहा है जिसका जिक्र अभी हमने सुना है ऐसा ही एक दर्शन जो होना ने देखा जब हम प्रकाशित वाक्य एक बार में पढ़ते हैं पढ़ेंगे उसकी 14 और 15 आयत को पढ़ लेंगे ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੀ ਗੁਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਿੱਟੇ ਸਗੋਂ ਬਰਫ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਨ ਭਾਈ ਜਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਕ ਵਰਗੀ ਸੀ ਉਸਕੇ ਸਰ ਔਰ ਬਾਲ ਸ਼ਵੇਤ ਖੂਨ ਵਰਨ ਬਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਜਵਲ ਥੇ और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था तो जो होना भी यहाँ ऐसा ही एक दर्शन देख रहा था तो जैसे लिखा कि दानियेल ने ये देखा था कि कोई मनुष्य सन का वस्त्र पहने हुए दानी वस्त्र पहने हुए बैरूद उसका मुख जो था उसका चेहरा जो था वो मानो बिजली क्या करी क्या बकरे फिर उसने देखा कि उसकी दो आंखें कैसी हैं जलते हुए दीपक के समान उन्होंने देखा तो उसकी आंखें कैसी हैं आग से फिर दानियेल ने देखा कि उसकी बाजू जो है उसकी बाहें बाजू उसके पांव कैसे हैं पीतल के समान पॉलिश किए हुए पीतल के समान तो इन शब्दों को आज हमें ध्यान से सीखना जैसे दानियेल ने ये देखा यूहन्ना ने ये देखा तो आज जैसे उसका मुख जो था जिसने सन के वस्त्र पहने थे दान के वस्त्र पहने थे
उसका चेहरा जो था कैसे था? जैसे उफाज देश के कुंदन से, पांच से। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसका मुख बिजली के समान। आसमान से जब बिजली चमकती है तो बिजली के उसकी रोशनी कहां तक दिखाई दे? एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो बिजली की चमक, तो इसका चेहरा ऐसा था, तो आपका भी चेहरा ऐसा होना चाहिए बिजली की चमक की तरह, कि दुनिया के दूसरे हिस्से तक आपकी चमक नजर आनी चाहिए। उसके बारे में लिखा गया है कि उसकी दो आंखें जलते हुए दीपक के समान, और यूहन्ना ने कहा कि उसकी आंखें अग्नि सी आंखें। तो आंखें जो है ये दर्शन को दर्शाती है। नबी का मीनिंग क्या होता है? आंखें। तो आंखों का मीनिंग क्या होता है? दर्शन, देखना। तो आपका जो दर्शन है, दर्शन वो आग सा होना चाहिए, जलता हुआ होना चाहिए। एक खादिम ने दुआ की कि दुनिया में ज्यादा प्रभु इकट्ठे करने वाले लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग होने चाहिए जो थोड़े भी हो तो अर्थ ही ज्ञानित वाले। तो एक दिन हुआ कि प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मौत दे। आपने सिर्फ बहुत सारे कुछ कहते होंगे, इससे तो मौत आ जाए तो वो अच्छा, जब बच्चे दुखी करते हैं, जब पति दुखी करता है, जब पत्नी दुखी करती है, परेशानी जब आती है तो मौत भागते हैं, भागते हैं। लेकिन जो बहुत मानते हैं उनके बारे में लिखा जा रहा है नीति वचन आज का 36 नीति वचन का होता 8 भाव उसका 36 आए। पर जो बिना पाप करता है वो अपनी जान का नुकसान करता है। जिन्हें मेरे नाल वह लगते हैं वो बहुत नाल प्रीत लगते हैं, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे वह लगते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। जितने मुझसे वैर रखते हैं वो किससे प्रीति रखते हैं? पाव से। किससे प्रीति रखते हैं? वही मौत मांगेंगे जो खुदा से बैर रखते हैं। समझ रहे? मौत कौन मांगता है? जो परमेश्वर से बैर रखता है। अच्छा, चलो आज हाथ खड़ा करें कि किस किसने आज तक ये दुआ की थी प्रभु से, बोले मौत ही इतने जो वादा करते कि आज के बाद ये दुआ नहीं करेंगे। मुझसे जितने मुझसे प्रीति रखते हैं वो, जितने मुझसे बैर रखते हैं वो बहुत से प्रीति रखते हैं। इसका मतलब वो बहुत वही मानते हैं जो खुदा से बैर रखते हैं।
तो नीति पत्र में ये लिखा गया है कि यहाँ दर्शन नहीं होता, वहां लोग बेमहारे हो जाते हैं। तो दर्शन का होना बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में, लेकिन वो दर्शन आग सा होना चाहिए, जलती हुई आग सा होना चाहिए। ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा मरने से पहले मेरे जीवन को भी आग जैसा बना दे, मेरे जीवन को जब मैं उस संसार से दूर कर दूं उससे पहले मेरा जीवन, मेरा दर्शन, मेरा जिस्म आग सा होना चाहिए, अग्नि सा होना चाहिए। तो उसकी आंखें जो थी अग्नि सी, जो जलते हुए दीपकों के समान थी, तो आपके अंदर भी वो दर्शन अग्नि सा दर्शन होना चाहिए, जलता हुआ। फिर उसके बारे में लिखा गया कि उसकी जो बाजू थी दोनों और उसके पांव जो थे वो क्या थे, क्या दिखाई गई थी। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के समान। पांव एक ईमानदार के पांव जो है वो पीतल के होने चाहिए, घास के पांव हुए तो जल जाएंगे, जल जाएंगे। बहुत सारे ईमानदारों में ये सुसी के ऊपर ईमान लाने वालों के पांव जो है वो घास के, वो फूस के, वो जल जाएंगे, वो वचन पे टिके नहीं रहेंगे, वो सच्चाई पे टिके नहीं रहेंगे, वो जल जाएंगे। थोड़ी सी अग्नि परीक्षा आ गई, छोटी सी परीक्षा आ गई तो वो सच्चाई पे टिक नहीं सके, वो जा जाएंगे, वो खुदा के वचन पे टिक नहीं सकेंगे। वो कहेंगे कि क्या फायदा है प्रार्थना करने, क्या लाभ है वचन पढ़ने, क्या लाभ है शक्ति करने। वो क्या को मंगा जाएंगे क्योंकि उनके पांव कैसे घास हो फूस, लेकिन पांव कैसे होने चाहिए, पीतल। पीतल जो होता है, अग्नि जो होती है वो पीतल को, पीतल का नुकसान नहीं करती, बल्कि उसको और चमका देते, वो और चमक जाता है पीतल। पांव जो होते हैं, पांव का मक्खन होता है तो जो वचन पर टिक जाना, खुदा की इच्छा पर टिक जाना, हुक्म पर टिक जाना, पांव जो टिक जाते हैं, तो पीतल के पांव होंगे तो शैतान को भी क्या कर देंगे, वो कुचल देंगे। जिसके पांव पीतल के होंगे इसका मतलब उसका शरीर भी का क्या पीतल का ही है। अगर पांव पीतल के हैं, बाहें पीतल की हैं, तो फिर इसका मतलब बाकी शरीर भी क्या है। दानियल देख रहा है, हो सकता है उसने बाजू देखी हो बाकी पर वस्त्र पांव नजर आ रहे हो पीतल के नीचे से, इधर से बाजू नजर आ रही हो पीतल की, तो उसने एक ये लिख दिया। तो पांव पीतल के, अगर आपके पांव पीतल के नहीं होंगे तो आप सच्चाई पे टिक नहीं सकते, आप वचन पे टिक नहीं सकते, खुदा के हुक्म पे टिक नहीं सकते। अग्नि परीक्षा जब आएगी तो दूसरे पांव जो है वो जल जाएंगे। इंसान सच्चाई से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वचन से बाहर हो जाएगा, खुदा की इच्छा से बाहर हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा है यशायाह 43 की 2, यशायाह 43 भाग उसका दूसरा वचन, जब तू पानिया के बिचों दी लगेगा मैं तेरे अंत संग होवांगा, अते जब नदियां के बिचों दी ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਡਬੋਲਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਜਲ ਮੇਂ ਹੋ ਕਰ ਜਾਏ
मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबा सकेगी। तू तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। जब आपकी परीक्षा आएगी थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो वो तुम्हें जला ना सकेगी। गाँव पीते जाए वो जला नहीं सकेगी बल्कि और चमक जाएंगे। आओ और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। उसकी लौ तुझे ना जला सके जिसका मतलब है कि वो आग जो है अग्नि परीक्षाएं जो है वो कोई भी नुकसान नहीं कर सकती। जैसे व्यवस्था साल में लिखा गया है 33 बाग उसकी 25 शायद व्यवस्था विवरण 33 का 25 व्यवस्था विवरण 33 बाग 25 है। तेरे अरल लोहे अते पित्तल दे हो जिवे तेरे दिन तेवे तेरा बल हो। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। तेरे जूते तेरे अरल लोहे और पीतल के हो जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। और पीतल के जूते पहनने हो इतने भारे जूते पहन कर साथ इस पांव में तो वो पहन नहीं सकता चल नहीं सकता। इसका मतलब पीतल के जूते पहनने के बाद पांव भी कैसे होने चाहिए पीतल के। इसके पांव पीतल के हैं वो उसके जूते भी उसको कैसे मिलेंगे पीतल के। ताकि तेरे अल तेरे जूते जो है वो लोहे और पीतल के हो जैसे तेरे दिन वैसे तेरा बल हो। तो इसका मतलब है कि जितने भारे जूते पहनते हैं तो फिर पहले पाँव घास और फूस के नहीं होने चाहिए तो थोड़ी सी मुश्किल में चल जाएंगे और पैर सिंचाई में टिके ना रह सके खुदा के वजन पे टिके ना रह सके। समझ रहे ना बात। तेरे जूते तेरे जूते जो है वो पीतल के तो पीतल के पाओ को पीतल के जूते पहनाए जा सकते वो ही पहनकर चल सकता है। पीतल के पाओ वाला ही पीतल के जूतों को पहनकर चल सकता है। वो शिकार को गुजरेगा वो हर मुश्किल को गुजरेगा हर मुसीबत को गुजरेगा वो किसी परेशानी से नहीं डरेगा। उसको वो कुंजर डालेगा वो रौद डालेगा अपने पाओ के थले वो घबराएगा नहीं वो परेशान नहीं होगा। उसके अंदर वो ईमान होगा उसके अंदर वो दिलेरी होगी उसको किसी बात का डर नहीं होगा। पीतल का शरीर होगा तो ना तो उसको कोई तीर कमान का डर है कि कोई तीर उसको लगेगा उसको कमजोर बात आके लगेगी भी तो उसका नुकसान नहीं करेगी। दूसरों के मुख से जो कमजोर बातें निकलती हैं वो उसका नुकसान नहीं करेगी। इसीलिए पौलुस ने ये बात कही थी पहला करंथियों जब हम 15:58 आयत पढ़ते हैं पहला करंथियों 15:58 सो हे मेरे प्यारे प्रभु तुसी अस्थिर अते अडोल होवो अते प्रभु दे कम वे सदा वधदे जाओ क्यों जो तुसी जानते हो जो प्रभु के तुहाडी मेहनत थोथी नहीं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ क्योंकि प्रभु में कैसे रहना है दृढ़ और अटल। वचन में कैसे रहना है दृढ़ और अटल। प्रभु में सदा क्या करते जाओ बढ़ते जाओ कैसे भविष्यवाणी में भी सुना के बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ आगे आगे सच्चाई में बढ़ते जाओ और खरियाई में बढ़ते जाओ और ईमान में बढ़ते जाओ और वचन की गहराइयों में बढ़ते जाओ
ज्ञान प्रकाश में बढ़ते जाओ, दृढ़ और अटल हो जाओ। और उसने अपने जीवन के बारे में एक बात कही थी, अपना प्रेरितों की किताब सूर्यों के कृतज्ञ 20 बाब उसकी कही और 24 आयत को पढ़ते हैं। पर इना जानता हूं भाई पवित्र आत्मा हरेक नगर विच मैनू यह कह के साखी दिंदा है जो बंधन अते विपता तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने लिए अपनी जान को किसी तरह प्यारी नहीं समझता हाँ, ता जो मैं अपनी दौड़ को अते उस कहन को पूरी करा जिड़ी मैं परमेश्वर की कृपा की खुशखबरी उत्ते साखी होने लिए प्रभु यीशु तो पाई सी। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है, तो पवित्र आत्मा कहता कि मेरे को हर नगर में ये गवाही देकर कहता था, और उसको कहता था क्या कहता था पवित्र आत्मा, कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, बंधन और क्लेश, बंधन और विपदा तेरे लिए तैयार है, और परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं समझता, मैं अपनी जान को प्यारा नहीं समझता कि उसको, तो उसको बताया कि वो इन बातों से घबराया नहीं, वो डावाडोल नहीं हो, उसके पांव पीतल के थे, वो सच्चाई में टिका रहा, वो आत्मा कह रहा था बंधन और विपदा, बंधन और मुश्किलें तेरे लिए तैयार है, लेकिन वो सच्चाई में दृढ़ रहा, वचन में अटल रहा, को देखकर वो परेशान नहीं। जैसे आज बहुत सारे ईमानदार वचन में जब पढ़ते हैं, जब दुश्मनी में जब होती, जब सख्त कोई बात आती है तो वो जल्दी से घबरा जाते हैं, लेकिन जो बरकत का वचन मिलता है, बरकत की भविष्यवाणी सुनने को मिलती है, खुश हो जाते हैं, जब ताड़ना मिलती है सख्त, कभी छोड़ दे दे, कभी छोड़ दे दे, कभी निकाल दे, जब वचन सख्त आ जाता है तो फिर ऐसे जाए तो बरकत बात कर देंगे, तो इसका मतलब है वो उन मुश्किलों को देख कर घबराया, उसको पवित्र आत्मा ने जम करा। तो आज हमारे जीवन में सिंचाई में टिके रहना, वचन में टिके रहना, वाहें जो थी उसकी वाहें जो थी वो भी किस बात की थी, पीतल आए हुए पीतल के समान, तो वाहें जो है हमारे काम को दर्शाते, इसको हमारे काम जो हम काम कर रहे हैं, वाहें जो है वो किसको दर्शाती काम, और उसने कहा कि एक एक का काम आग के द्वारा क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। जब हम ग्रंथ का पहला ग्रंथ दिन की तेरह आयत में पढ़ते हैं, हरेक का काम प्रकट होगा, क्यों जो वो दिन उस रूप उखाड़ देगा, इसलिए जो वो अग नाल प्रकाश हुंदा है अते अग आपे रेक दा काम परख देगी भाई वो किस प्रकार दा है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा कि इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, और हर एक का काम परखेगी कि वह कैसा है। लेकिन इसमें ये लिखा गया है कि अगर घास फूस और लकड़ी का काम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, टल जाएगा, हीरे सोने और जब चांदी का काम होगा वो क्या हो जाएगा, वो जलेगा नहीं, मिलावट चांदी में भी होती, सोने में भी होती है, आग के द्वारा उससे क्या की जाती है, मिलावट निकाली जाती है, लेकिन हीरे में कभी भी मिलावट नहीं होती। आपने कैसा बनना है, हीरो जैसा, कि कोई अंदर मिलावट ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो आपके खुदा को पसंद ना हो, अंदर से पूरी मैल को निकालना है। ऐसा वक्त आने वाला है, जैसे आदमी आपने सुना है,
या आपकी अंदर की कमजोरी ऐसा ना हो कि उस वक्त आप जाल में फंस जाए, कि उससे पहले पहले इसको निकाल देना। तो आग जो है हर एक का काम बल्कि की बाहें जो है वो काम को दर्शाते हैं, तो बेहतर की बाहें हैं वो, जिसका मतलब वो डलेगी नहीं, वो काम जलेगा नहीं, वो टिका होगा। बच्चा माँ बाप से कहे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, बैंक में पहले से जमा कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, मैं कनेडा में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जाकर कहीं कोई हो, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो माँ बाप को तो काफी पता चलेगा ना, जब बैंक में वो पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक में कोई बैलेंस नजर आएगा, तभी वो कहेंगे कि हाँ हमारा बच्चा जो है वो मेहनत से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आप सबको खुदा ने काम दिया, आपने ये देखना है कि वो कायम रहेगा या नहीं, वो जल के राख हो गया तो वहां बाप को क्या नजर आएगा, बाप ने तो वो देखना है। कहने की कौन सी बात है कि हम सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं, जैसे विश्वास ने सुना कि कर्तने वाले जो होते हैं वो बरसते नहीं, बरसने वाले जब बादल होते हैं वो गर्जन नहीं करते, वो बारिश करके निकल जाते। तो आपके हिस्से में जो काम आया है, जो प्रभु ने आपको काम बतलाया है, उसको उसने देखना, क्या वो आग जलाएगी तो नहीं, उसको देखना है। आपका काम आपके आगू को पसंद आ रहा है, अगर उसको पसंद नहीं आ रहा तो खुदा को कैसे पसंद आएगा। तो आज हर एक का काम क्या करेगी, परखे। आपके हिस्से में जो भी काम है, चाहे वो बेशक प्रार्थना का बोझ ही क्यों ना हो, जिन आत्माओं का बोझ है, क्या वो आत्माओं के ऊपर आपकी प्रार्थनाओं का असर हो रहा है, ये देखा जाए, वो सच्चाई की तरफ आ रही है, ये देखा जाए। कोई भी आपको काम मिला है वो आग के द्वारा क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। तो जैसे पौलुस ने कहा कुछ ना तीन बाप नहीं है, कुछ जो कुछ तुसी करो सोचित ला के प्रभु दे ले करो ना मनुखा दे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो काम आपको मिला है कैसे करना है, तन मन से दुआ भी जब करनी है, फॉर्मेलिटी की दुआ नहीं करनी, चलो समय हो गया है तो ना बैठ जाओ, जो कुछ कहता करो तनमन से करो, लगन से करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, पति को दिखाने के लिए नहीं प्रार्थना करनी, पत्नी को दिखाने के लिए नहीं, मां बाप को दिखाने के लिए नहीं, दिल से अंदर से जो काम करता है प्रभु के लिए, वचन भी पढ़ता है दिखाने के लिए नहीं पढ़ता कि मां बाप खुश हो जाएंगे, पत्नी कहेगी मेरा पति सुधर गया है, वचन पढ़ता है, दिखाने के लिए नहीं मैं खोल रहा। जो प्रभु ने आपको काम दिया है उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं करना है, कहता कि जो कुछ भी तुम करो कैसे करो तन मन से करो, तन मन से किया गया काम, मेहनत से लगन से किया गया काम वही स्थिर रहता है, वही टिकता है, वही परखों में स्थिर रहेगा। दुआ करो दिल से करो,
वचन को पूरा करता है। दिल से करो कि नहीं, मेरे खुदा ने कहा, लिखा है। यीशु मसीह ने भी वो दृढ़ता से कहा, लिखा है। शैतान उसको फरमाना चाहता था, लेकिन उसके पांव कैसे थे? प्रभु यीशु मसीह के पांव पीतल के ना होते तो फिर शैतान गुजरा, घास फूस के पांव होते तो फिर सच्चाई पे टिक। जितने खादम संत लोग आज धरती पर हुए हैं, जिनको हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उनके पांव भी कैसे थे? पीतल के थे। इसीलिए वो सच्चाई पे टिक गए, इसीलिए वो वचन पे टिक गए, इसीलिए वो हुक्म पे टिक गए। जैसे उन जानवरों को कहा गया था कि जब तक मैं अपने पांव को निकालो, पांव को निकालने का मतलब है उसके वचन पे टिक जाना, उसके हुक्म पे टिक जाना। जर्दन में अपने पांव को क्या करें? टिकाए। जब तक जितने मिस्र से निकले थे कनान की आओ पार ना हो जाए, वो 22 लाख से ज्यादा लोग थे। जब तक दो हिस्से हो गया, जब जानकाओं ने उसके अंदर पांव रखा, वो पैर टिके। 22 लाख से ज्यादा लोग थे। जब उन्होंने जर्दन पार कर लिया, फिर जानवरों ने अपने पैर उठाए। उसका मतलब आपके पांव कहाँ टिके होने चाहिए? वचन में, हुक्म में टिके होने चाहिए। ये पीतल के नहीं होंगे तो टिक नहीं सकेंगे, वो पीतल के जूते नहीं मिल सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, पीतल के जूते था। एक ये लिखा था वो पांव निकाल लिया। अपने अपने तरह वोटे पक्ष धूप हो गए थे, पानी जावे ठहर। मोटे पाक संदूक हवे ते पानी जावे ते तेरे काहिन तेरे कदम रखण जिथे पे। मोटे पाक संदूक हवे ते पानी जावे ते तेरे काहिन तेरे कदम रखण जिथे पे। रखण जिथे पे साडे पैर टिकाल खुदा मजरूदी जुम खुशना करते माला माल खुदा मजरूदी जुम खुशना साडे पैर टिकाल खुदा मजरूदी जुम खुशना करते माला माल खुदा मजरूदी जुम खुशना। तो आज से ये दुआ करते हैं प्रभु मेरे पाओ सच्चाई में वचन में टिक जाए। क्या तूने मुझे खड़ा किया टिक जाए। जे अग्नि परीक्षा जब भी आए मुझ पर, जब कोई परीक्षा आए तुझे कभी जले ना, घास फूस के नहीं मुझे पहुंचाइए। ये जान जाते हैं ऐसे ही दुआ करें तो प्रभु मुझे पीतल के पांव दे, हमेशा तेरे वचन में क्या रहे, टिके रहे, कायम रहे। परेशानी को देखकर, मुश्किल को देखकर कभी भी ये जगमगाए ना। मैं तेरे वचन में बना रहूं, तेरे हुक्म में बना रहूं, बनी रहूं। आज तू मेरे मुझे ऐसा स्थिर आत्मा दे, मुझे दृढ़ता दे, मेरे पांव को टिकने के लिए पीतल के बना दे। तो पीतल के पांव जो अग्नि परख जब आती है पीतल और चमक जाता है, चमक जाता है, पीतल का नुकसान नहीं है। तो ये जो आपको परखने के लिए कुछ भी अग्नि पर आती है तो हमेशा तारीफ करें और अपने काम को ईमान से दृढ़ता से करते जाए, पूरी लगन से करते जाए, पूरे मन से करते जाए, अपने खुदा के लिए करते जाए, ना कि मनुष्यों के लिए।
किसी मनुष्य के लिए नहीं काम करता, ये कहता कि ये मेरे खुदावंद खुदा, तो अपने खुदा के लिए ये करते हैं। और खुदा जब आपके काम को परखेगा, आपकी बाजू भी जो बाहें ये भी पीतल के समान चमकते हुए पीतल के समान, फिर आपका काम कभी भी जलेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा, वो कायम रहेगा। तो आज ही अपने जीवन में देखा कि आपका मुख का चमकार नहीं चमकते हुए बिजली की तरह होना चाहिए। प्रभु जब मैं जिस से बाहर आऊँ मुझे मरने से पहले मेरा दर्शन भी अग्नि जैसा, मुझे भी अग्नि जैसा बना दे। मैं मरने के लिए कभी दुआ नहीं करूँगी करूँगा, मैं हमेशा और इन पर्वों के द्वारा और चमक जाऊंगा, मेरा जीवन अग्नि जैसा जीवन हो जाएगा। आज से ये आप निर्णय ले लें, सब कुटनों पर आ जाए, आज से ये अपने जीवन में निर्णय लें कि प्रभु मुझे भी ऐसा तैयार कर, ऐसा तैयार कर, अपने पुत्र की मानद बना, तेरे पुत्र की आंखें अग्नि जैसी आंखें, मेरी आंखें भी ऐसी अग्नि जैसी आंखें दे दे, मैं दूर तक देख सकूं, मैं दूर तक देख सकूं, मेरा दर्शन अग्नि जैसा दर्शन हो, मेरी आंखें अग्नि जैसी आंखें हो। ओ प्रभु मेरा जीवन मरने से पहले तू मुझे अग्नि जैसा बना दे, मुझे अग्नि जैसा बना दे, मेरे पांव वो पीतल के चमकते हुए पीतल के समान, मेरी बाहें चमकते हुए पीतल के समान, मेरे पांव सच्चाई में टिक जाए, मैं अटल हो जाऊं, दृढ़ हो जाऊं, मुझे मजबूत बना दे, मुझे जो मैं डावाडोल हो जाता हूँ वो जाती, कमजोर हो जाता हूँ वो जाती, आज मेरी कमजोरी को निकाल दे, मैं दूसरों की बातों के द्वारा कभी कमजोर ना हूं, पति की बातों के द्वारा, पत्नी की बातों के द्वारा, बच्चों की बातों के द्वारा, आज दो साथियों की बातों के द्वारा मैं कभी कमजोर ना हूं, मुझे आज ऐसा मत दे, दृढ़ता वाला मत दे, मैं दृढ़ हो जाऊं, मैं मजबूत हो जाऊं, मुझे मजबूत कर, तूने जो मुझे काम दिया है ये डर ना सके, बल्कि ये उस जब परखने वाली आग आए तो उसने भी काम जलेगा स्थिर हो, ये पूरे का पूरा सही निकले, कुछ भी ना जले, एक अंश भी ना जले, तो वो आज मुझे ऐसा कर, मुझे ऐसा बना, मुझ पर फजल, मुझ पर अनुग्रह, मेरी कमजोरी को निकाल, मैं डगमगा जाती हूँ, मैं डगमगा जाता हूँ, आज मेरा नाम होगा मैं खत्म कर दे, आज मेरी कमजोरियों को खत्म कर दे, मेरे पाँव को दृढ़ कर, वो पीतल के समान चमकते हुए पीतल के समान बना दे, मेरी बाजुओं को चमकते हुए पीतल के समान बना दे, मेरे मुख का चमकाल भी चमकते हुए बिजली के समान एक कोने से दूसरे कोने तक चमक उठे, ऐसा फजल आज मुझ पर ऐसी दिया, तो आपके खुदा ने आज आपकी दुआ को सुना, आप दिन प्रतिदिन पढ़ते ही जाएंगे, खुदा में बढ़ते जाएंगे, वचन में बढ़ते जाएंगे, ईमान में बढ़ते जाएंगे, सिखाई खिलाई में बढ़ते जाएंगे, हाथ उठाकर तारीफ करें, हालेलुया, प्रभु की महिमा।